गाड़ी में ही सोना पड़ेगा, इसलिए मैं कह रही हूँ तुम लोग तो फिर भी बाहर रोड पे सो सकते हो। वेलकम टू माई व्लॉग जर्नी। सो गाइज, ऐसा है कि मैं आज जा रही हूँ ओनली और मैं पूरी तरह से रेडी हो गई। पहली बार मैं इतनी जल्दी जल्दी सुबह सुबह रेडी हुई हूँ। मैंने इतने सारे कपड़े ले लिए सर्दी के लिए कि पता नहीं मुझे वहाँ पे सर्दी लगने वाली है या मैंने जानबूझ कर इतने कपड़े ले लिए। फाइनली आई एम सुपर एक्साइटेड। हो नहीं रहा, मैंने ज्यादा बड़ा बैग ले लिया है गाड़ी के अंदर, आ नहीं रहा डिग्गी में। इसकी वजह से नहीं आ रहा था क्योंकि हमें गाने सुनने की बहुत हैबिट है गाड़ी में। तो अभी सारे बैग आ चुके हैं और ये इसका क्रेडिट जा रहा है। इसको रजत को सारे फंसा दिए इसने पूरा दम लगा के, और ये निकालना भी है दोबारा क्योंकि मेरे को। बाय बाय दिल्ली। पहुंच चुके हैं जनकपुरी में, और जनकपुरी में ना आपने शायद चाय नहीं पी होगी, यहाँ की चाय है ना सबसे ज्यादा फेमस है। क्या हुआ है, आराम से चला यार। यहाँ की चाय क्या हो गया, बंद हो गई पता नहीं, गाड़ी बंद हो गई, क्या हुआ, क्या हो गया यार गाड़ी में है, देख कर आता हूँ मैं। अभी तो जाने वाले थे यार, मेरा तो मूड खराब होता दिख रहा है। क्या हो गया है पता नहीं गाड़ी में क्या हो गया, अभी तो जस्ट घर से ही निकले थे, पनौती हो गई पहले ही रास्ते में, पता नहीं पूरा सफ़र कैसे कटेगा। बट हाँ ऐसा हुआ है कि जहाँ पर भी गाड़ी को थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई है ना, यहाँ पर ये पूरा जो रोड है ना, जितना भी पूरा मैकेनिकल वाला मतलब मैकेनिक है सारे यहाँ पर, और चाय भी यहीं पर ही मिलती है। अब चाय क्या पीऊँ मेरे को समझ नहीं आ रहा, मतलब मूड थोड़ा सा ऑफ है, बस जल्दी से गाड़ी ठीक हो जाए। आधा घंटा और, मतलब एक घंटा ऑलमोस्ट लग चुका है और आधा घंटा और। तो गाड़ी ठीक हो गई है फाइनली, डेढ़ घंटा लगा है हमें यहाँ पर, और जो भी है अब निकलना तो है ही, जाना तो है ही, चाहे डेढ़ घंटे लेट हैं चाहे दो घंटे लेट हैं, अब निकलते हैं। गाड़ी खराब हुई तो मास्क मिल गए। ब्लैक शीशे की वजह से रोका इन्होंने, मैंने इतनी दफा सोचा कि इस वाले से ना ब्लैक वाला ये वाला हटा दूंगी, बट हटा ही नहीं पा। आज का दिन बड़ा पनौती लग रहा है मेरे को। लो जी ये सब्सक्राइबर निकले। थैंक यू, छोड़ दिया है क्योंकि वो हमारे सब्सक्राइबर निकले। ट्रैफिक हो रहा है, मतलब आज हम गलत निकल गए, मुझे लग रहा है फाइनली गलत निकल गए हैं। दिखाओ ट्रैफिक, हर एक जगह ट्रैफिक दिखाई यार, ये इतना ज्यादा ट्रैफिक हो क्यों रहा है, चल नहीं देते भैया, इसको निकाल देते ना, ये टपकेगा वरना। हाँ ये टपक जाएगा बहुत ज्यादा, रोक लिया। जो जनाब सत्तर किलोमीटर सीधा ही हो, 70 किलोमीटर 80 चल रहे हो और स्पीड हो गई, जब 70 की स्पीड थी तो 80 क्यों चलाएंगे भाई। मेरा मेरे को लग रहा है कि वापस गाड़ी मोड़ लो उस घर की तरफ चलते हैं, मेरा मूड बहुत ऑफ हो गया, ऐसा लग रहा है जैसे जाए भी नहीं वापस घर चले, क्योंकि ज़्यादा ही हो गया है ऐसे, ज़्यादा ही हो गया। पहुँच गए हम मुरदल, बहुत टाइम बाद, आज बहुत ज़्यादा जाम था, मतलब मुझे यहाँ तक पहुँचने में 3-3.5 घंटे लग गए मुझे मेरे घर से। मुझे ना यहाँ की जलेबी और रबड़ी सबसे ज्यादा पसंद है, इसलिए वहाँ वो लेने के लिए रुके हैं। आधे रास्ते पहुंच चुके हैं और आधे रास्ते में मैं खा रही हूँ ये चाट। रुक चुके हैं इस ढाबे पर, सुबह से चल रहे हैं, रात के 8 बज चुके हैं, कुछ भी नहीं खाया था रास्ते में, क्योंकि जो भी खाया था वो आपको दिखाया था बट खाना नहीं खाया था। अब इस ढाबे पे रुके हैं खाना खाने के लिए, और मैं मतलब नींद भी आने लगी थी बट हाँ अभी मेरे को खाना खाना है क्योंकि बहुत भूख लगी है, बहुत तेज वाली भूख लग रही है। सादी थाली और है डिलक्स,
बहुत टाइम के बाद खाना मिल रहा है। पूरा दिन हो गया पर खाना नहीं खाया। खा लो यार। खा क्या रहे हो? मैं खा रही हूँ पनीर, रायता, दाल मखनी एंड चपाती, और सब खा लो, सारे आ जाओ। चॉकलेट देख रही हूँ बट ये लॉक लगा के गए हुए हैं, कोई है ही नहीं यहाँ पर। बिल आया है ये। कितना सारा खाना खा गई। मेरे को ना किसी ढाबे पर रोका ना जाए हो। वरना खराब हो जाएगा सीन। गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं लड़की ना कॉम्प्लीमेंट्री में टिश्यू लाती है। अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं ना तो सबसे इम्पोर्टेंट टिश्यू है। सही है भाई, तुम तो आग मिल रही हैं। सर्दी में आग मिल जाए ना उससे आगे तो इंसान जा ही नहीं सकता। मस्त मजा आ रहा है। कितना बड़ा लक्कड़ डाल रखा है इन लोगों ने। So guys, पहाड़ यहाँ से शुरू हो चुके हैं और मेरे कान भी बंद होने शुरू हो चुके हैं। यहाँ से दिखा दो फोन पर, दिखाना सारे। अब वैसे अंधेरा हो रहा है, इतना ज्यादा दिखेगा नहीं बट फिर भी दिखा दो। नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा, मैं तो दिख रही हूँ। ठीक है, तो हम एंट्री लेने वाले हैं देहरादून में। गाइस हम पहुंचने वाले हैं और माई सो चुकी है और अभी रास्ता रह रहा है कम से कम 10-12 किलोमीटर। अब होटल में पहुंच के देखते हैं, जगाते हैं, वही बात करते हैं आपसे। सो गाइस हम यहाँ पर आए और अब यहाँ पर कोई भी कमरा नहीं मिल रहा है हम लोगों को, क्योंकि मैंने पहले से कुछ भी प्लान नहीं किया था और उठकर बस यूं ही आ गए कि भाई वहां पर जाके तो रूम वगैरह सब मिल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और रजत ने भी बहुत बेवकूफ बनाया मेरे मामा जी नू फलाना दगड़ा, वहां पे जाके कमरा मिल जाएगा। और मैं इतनी डफर हूँ कि मैंने ये नहीं सोचा कि मैं पहले से ही रूम बुक कर लूँ। अब यहाँ पर आए हैं, रूम नहीं मिल रहा। अब वो बोल रहे हैं सब, मतलब आज की रात गाड़ी में सोना पड़ेगा। और गाड़ी में I can't believe it कि मैं गाड़ी में कैसे सोऊंगी। मेरे को लग रहा है तुम लोग बाहर निकल जाओ, मैं आराम से सोती हूँ गाड़ी में। कल की कल देखी जाएगी, सोड रजाई ले लो, बाहर बैठ जाओ। गाड़ी में सोना पड़ेगा इसलिए मैं कह रही हूँ तुम लोग तो फिर भी बाहर रोड पे सो सकते हो। सो जा, चलो ओली निकल रहे हैं यहाँ से। ओली चले यहाँ से। और अब ये सारे एक दूसरे को पकड़ के मारे, उससे पहले मैं कैमरा बंद कर देती हूँ। पहली बात तो ये बता, तुम सो के कब उठे? बस अभी अभी उठे। यहाँ का मौसम कितना मस्त हो रहा है, ये वाला नजारा दिखाना। मैं शायद इतनी सोई हूँ कि मैं उठी ही नहीं हूँ, मतलब मैं पूरी रात नहीं उठी, अभी सुबह उठी हूँ मैं। और यहाँ बहुत ठंड है। चाय पी ली है, वैसे मैं पीती नहीं हूँ बट आज पी ली है, पता नहीं क्यों मेरी इच्छा हो रही थी। अभी तक कोई होटल नहीं लिया है, कल से अभी तक बस चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं। मैं तो गाड़ी में सो भी गई थी। अब कोई होटल लेते हैं, वहाँ पे जाके रुकते हैं, क्योंकि वीडियो भी एडिट करनी थी, मेरे प्रैंक पे आनी है और मैंने वो भी नहीं की रही है। तो अभी चलते हैं यार, जितनी जल्दी होटल होगा उतनी जल्दी एडिट करूँगी और उतनी जल्दी वीडियो आपको देखने को मिलेगी। अब हम ओली पहुंचने वाले हैं, ये है पतला सा रास्ता। तो हम ओली पहुंचने में अभी 2 किलोमीटर दूर हैं और बर्फ गिरनी हो चुकी है शुरू, और अब आएगा बहुत ही ज्यादा मजा। आगे सो हमको यहाँ पर मिल गया है कैंप, मतलब रूम्स नहीं मिल रहे हैं यहाँ पे, कैंप मिल रहे हैं जिसके अंदर बैठ कर, मतलब अभी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को ना यहाँ से उतर के। अभी ये गाड़ी लगवा रहे हैं हमारी, ठोक मत दियो गाड़ी आराम से। ये यहाँ पे सीख भी रहा है, सीखने की भी है। इसमें रहने के लिए ये वाला है और स्नोफॉल भी होने वाली है अभी, मतलब ये लोग यहाँ पर बता रहे हैं हमें कि यहाँ पर होने वाली है स्नोफॉल। सो अभी देखते हैं कैसे रहेंगे, बहुत सर्दी लग रही है। ये वाली जो ब्लॉक है मैं यहाँ पर ख़त्म करती हूँ,
और अब इसके बाद जो होने वाला है, क्योंकि दिल्ली से यहाँ तक अभी बहुत ज़्यादा थक चुके हैं हम लोग, बिल्कुल सोने को नहीं मिला है, मतलब पिछले कल से लेकर आज तक चल रहे हैं और स्नोफॉल होनी शुरू हो गया। देखिए दिखाती हूँ मैं आप लोग, अगर दिखाई दे रहा होगा तो थोड़ा थोड़ा अभी स्टार्ट हो चुकी है। मैं भी अभी कपड़े वपड़े चेंज करती हूँ, और अगर आपको मेरी ये जर्नी कंप्लीट देखनी है तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लीजिए। और कल का दिन मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं यहाँ पर ओली में आकर क्या क्या करने वाली हूँ।